Hello everyone. मैं इस वीडियो में मिनिमम लिमिट ऑफ बॉल्स इन अ बैक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और फिर उसका एक अप्रोच बिल्ड करेंगे, थॉट प्रोसेस, एंड देन वी विल कोड इट. ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें बोल रही है कि हमें एक एरे दे रखा है ऑफ बैग्स. ठीक है, और उन बैग्स में कुछ बॉल्स हैं. ठीक है, तो सपोज़ ये जो थर्ड इंडेक्स पे बैग है, सेकेंड इंडेक्स पे, उसमें 8 बॉल्स हैं. तो मेरे को एक ऑपरेशन यूज़ करके उस बॉल्स को डिवाइड करना है. इसको मैं कैसे भी डिवाइड कर सकता हूँ, 6 + 2 4 + 4. ठीक है, और मेरे पास कुछ ऑपरेशंस दे रखे हैं. सो एक ऑपरेशन में मैं बॉल को डिवाइड कर सकता हूँ. तो जब मेरे सारे ऑपरेशंस ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे अपने ऑपरेशंस ऐसे यूज़ करने हैं कि एट द एंड ऑफ ऑल द ऑपरेशंस जो मेरा मैक्सिमम बैग बचेगा, मतलब वो उसमें नंबर ऑफ़ बॉल्स मिनिमम होने चाहिए और वो मेरा पेनल्टी होगा. तो मुझे वो पेनल्टी मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. तो जैसे मेरे पास ये एक बैग्स दे रखे हैं. तो एक बैग में 2 बॉल है, एक में 3 है, एक में 4 है, एंड एक में 7 है. ठीक है, सो ऑन. तो प्रॉब्लम जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हीप से कर सकते हैं. मैं जो हाईएस्ट बैग है उसको लूँगा, मैक्सिमम जिसमें बॉल्स हैं, और फिर उसको कुछ डिवाइड करूँगा. लेकिन बहुत सून मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को नहीं पता कि मैं 7 को कैसे डिवाइड करूँ. मतलब मैं 3 + 4 में करूँ या फिर 6 + 1 में करूँ, है ना. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आई हैव. तो इस पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल मेरा किस चीज़ पे है? मेरा कंट्रोल इस पर है कि मैं एक अपना पेनल्टी सेट कर सकता हूँ अपने से. ठीक है, कि मैं सपोज़ एक पेनल्टी सेट करूँगा और फिर मैं देखूँगा कि क्या उस पेनल्टी को मेरा ये एरे सेटिस्फाई कर रहा है इन द गिवन नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नहीं. अभी उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट अभी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सपोज़ करो कि मैं एक पेनल्टी सेट कर लेता हूँ 3. ठीक है, तो बेसिकली मैं इससे क्या कर रहा हूँ कि मैं इतने ऑपरेशंस करूं कि अगर सपोज़ मेरा पेनल्टी 3 होता तो मेरे को कितने ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ते कि मेरा जो एरे है वो मेरे कंडीशन को फिट कर जाए. ठीक है, तो देखो, अगर मेरा पेनल्टी 3 होता तो मेरा, अगर ये नम्स एक बैग में 2 बॉल्स हैं तो इसमें मुझे कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 0. अब एक बैग में 3 बॉल्स हैं तो भी मेरे को कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर एक बैग में 4 बॉल्स हैं, यहाँ मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा. कितना? 1 + 3, है ना, एक ऑपरेशन लगेगा. तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लग गया. अब 5 है तो 5 को भी अगर मुझे डिवाइड करना है तो मेरे एक ऑपरेशन लगेगा, दैट विल बी 3 + 2. फिर अगर 6 है तो 6 बाय 3 = 2. लेकिन सिंस इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 तो एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा 6 को 3 + 3 में डिवाइड करने के लिए, 1. और फिर 7 को अगर मुझे डिवाइड करना है 3 में तो मेरे को 2 ऑपरेशंस लगेंगे, ताकि वो जैसे ये 3 3 1 एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ना. तो यहाँ पे 2 ऑपरेशंस लगेंगे. तो एट द एंड मेरे को क्या रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ? मुझे ऑब्टेन हुआ कि मेरे को अगर पेनल्टी मुझे 5 अगर सेट कर दी होती, सॉरी 3 पेनल्टी सेट होती तो मेरे को 5 ऑपरेशंस करने पड़ते. ठीक है, अब तुम्हें क्लियर होगा. ठीक है, अब सपोज़ करो ये तो मुझे एरे गिवन है ना. सपोज़ मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस गिवन है ना, क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज़ गिवन. तो अगर सोचो मेरे पास अगर मैक्सिमम ऑपरेशन 1 मिलियन होता, ठीक है, 1 मिलियन, चलो लेट्स से 100 ऑपरेशंस, ठीक है, 1000 ऑपरेशंस. ठीक है, तो 1000 ऑपरेशन होता तो मैं क्या कोशिश करता कि मैं अपनी पेनल्टी को और कम कर सकता हूँ ना. देखो अभी तो मैंने 5 ऑपरेशंस यूज़ किए हैं, तो मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं अगर क्या पता 20 ऑपरेशंस यूज़ कर लूँ तो मैं अपने बॉल्स को, ये एरे को, पेनल्टी को 1 1 में 1 1 कर लूँगा. मतलब 1 पेनल्टी हो जाएगी मैक्सिमम, है ना. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पेनल्टी को कम करता हूँ. मैं पेनल्टी को 2 करूँगा, है ना, या फिर 1 करूँगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये मेरा एक केस बन गया. अब सोचो ना बाइनरी सर्च कैसे आ रहा है इस क्वेश्चन में. और अगर सोचो कि मेरे पास ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशन सिर्फ 2 दे रखा होता तो मैं क्या करता? मेरा नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता यार 3 पेनल्टी के लिए तो मुझे 5 करना है. ठीक है, अगर मैं पेनल्टी और कम करूँगा तो मुझे और ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, है ना. तो मैं क्या करता हूँ, तो चलो मैं अपनी पेनल्टी बढ़ा लेता हूँ. सपोज़ अगर मैं पेनल्टी बढ़ा के अगर 10 कर लेता तो मेरे को एक भी ऑपरेशन यूज़ नहीं करना पड़ता ना, सब 0 0 में हो जाता. तो अब वैसे ही मैं 3 से एक्चुअली एग्जैक्ट डायरेक्टली तो 10 पे नहीं जाऊँगा, बट 3 से मैं देखता हूँ, चलो 4 से करके देखते हैं, क्या पता 4 में बात बन जाए. तो जैसे कि 4 अगर मुझे करना है तो मेरे को कितने ऑपरेशंस लगेंगे? यहाँ तक तो कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, 0 0. यहाँ पे एक ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगेगा. तो एक्चुअली अगर मेरा पेनल्टी 4 होता तो मुझे 3 ऑपरेशंस लगते हैं. तो इट इज़ स्टिल नॉट सेटिस्फाइंग द केस. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 पे जा रहा हूँ. ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज़ वर्किंग. तो चलो अब मैं इसको कोड करते हैं जल्दी से, ठीक है। सो हाउ विल आई कोड इट, ओके। सो एक्चुअली आई हैड ऑलरेडी कोडेड इट अर्लियर, सो आई विल कोड इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इंट आर इज इक्वल टू स्टार मैक्स एलिमेंट एलिमेंट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, जो मेरा वेक्टर दे रखा है नम्स, उसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी द मैक्सिमम पेनल्टी, है ना। सपोज ये एरे है तो इसमें मैक्सिमम पेनल्टी क्या होगी, 7 होगी, है ना। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं करता हूँ इंट एल इज इक्वल टू 1। ये क्या है, मिनिमम पेनल्टी जो एरे में होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इंडेक्स में नमसा का मिनिमम वैल्यू 1 है, सो लेट इट बी द मिनिमम पेनल्टी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंट रिजल्ट बनाता हूँ जो कि मेरा रिजल्ट होगा। सो इंट रिजल्ट इज इक्वल टू आर, लेट्स से दैट द रिजल्ट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी, ठीक है। अब मैं एक बाइनरी सर्च लगाता हूँ, इट विल बी एक्सप्लेन, आई विल मेक इट मोर क्लियर एज आई सॉल्व ऑन, ठीक है। सो वाइल एल इज लेस देन आर, तब क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक इंट पेनल्टी बनाता हूँ। इंट पेनल्टी इज इक्वल टू एल प्लस आर बाई 2, ठीक है। तो एक मैं पेनल्टी डिसाइड करता हूँ, जैसे इस केस में सबसे पहले मैं पेनल्टी डिसाइड करता हूँ कि 7 प्लस 2 9 9 बाई 2 4। मैं सबसे पहले 4 पेनल्टी डिसाइड करता हूँ कि 4 अगर मेरी पेनल्टी होती तो एक इंट ऑपरेशन इज इक्वल टू 0। अब मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, ओके। अब क्या कर रहा हूँ, इफ़ नम्स आई इज़ ग्रेटर देन द पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी से बड़ा है, ठीक है। सपोज मेरा जैसे पेनल्टी 3 था, तो अगर कोई नंबर 3 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि अगर इफ़ नम्स आई परसेंट पेनल्टी इज़ इक्वल टू 0, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इन दैट केस माई ऑपरेशंस विल बी ऑप्स प्लस इक्वल टू वॉट नम्स आई बाय पेनल्टी और -1। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। आई सजेस्ट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट इट। जैसे 6 बाई 3 करोगे तो 2 आता है ना, लेकिन 6 को 3 3 में डिवाइड करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा ना, इसलिए -1 है, ठीक है। एल्स अगर डिविजिबल नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्स प्लस इक्वल्स टू नम्स आई बाय पेनल्टी, ओके। तो इस तरह से मेरा ऑपरेशंस कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इफ़ operations is less than equal to max operations, max operations, Ctrl C Ctrl V। अब इसका मतलब क्या है कि मैं इतने operations में अपना काम कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने result में क्या करता हूँ, ये penalty डाल देता हूँ अभी तो, और फिर क्या करता हूँ R is equal to penalty। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मैंने R को penalty, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि मैं अभी सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ अपना जो गिवन नंबर ऑफ़ मैक्सिमम ऑपरेशन है, उससे कम में मैं अपना काम निकाल ले रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चलो पेनल्टी को कम करके देखते हैं, थोड़ा और पेनल्टी कम करते हैं, तो मेरे ऑपरेशंस बढ़ेंगे ना, ये ऑपरेशंस बढ़ेगा, तो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग। और लेकिन अगर मेरा काम नहीं बन रहा है तो मुझे ऑब्वियसली अपना पेनल्टी बढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतने ऑपरेशंस में मैं उस रिक्वायर्ड पेनल्टी तक नहीं पहुँच रहा हूँ। तो इसलिए क्या करूँगा, एल इज़ इक्वल टू पेनल्टी प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर मेरी पेनल्टी अगले इटरेशन में नई पेनल्टी कैलकुलेट हो जाएगी, एल प्लस आर बाई 2, है ना। एंड सो सिमिल एट द एंड में क्या करूँगा, जब मेरा एल इज़ लेस देन आर वो वाइल लूप ख़त्म होगा तो मैं रिटर्न कर दूँगा अपना रिजल्ट, ठीक है। सो लेट्स रन दिस ऑन द टेस्ट केसेस, कंपाइलेशन एरर, रिटर्न रेज, ओके, समथिंग इज़ मिसिंग, just a second, return result, name after declaration of specifiers, कुछ तो गड़बड़ है, int res is equal to r, wait a second, seems fine, everything seems fine, अरे सॉरी, ओके, एक्चुअली मैं for loop से बाहर चला गया था, ओके, my while loop ends here, so I will have to return it here, so it's running, judging, finished. 3271, it's correct. Now let's submit it. Accepted. Okay, so I hope you, it would be clear to you कि मतलब ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है, कि मैंने binary search क्यों कहाँ से सोचा है ना. So if the video is clear, please subscribe to the channel. इससे मुझे motivation मिलेगा कि और videos बनाऊँ. Thanks and have a nice day.